हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डू यूनिट 6 एंड द चैप्टर नेम इज सैम एंड द सीक्रेट कॉल फ्रॉम योर गुलमोहर बुक क्लास 5। सो लेट्स स्टार्ट। सैम एंड हिज पेरेंट हैव बीन कमिंग टू द सेम आइलैंड एवरी समर एवर सिंस ही कुड रिमेंबर। सैम को जहाँ तक याद था, वो और उसके पिताजी जो हैं, उसके पेरेंट्स जो हैं, वो हर साल सेम आइलैंड, एक ही आइलैंड पर आते हैं, मतलब उसी आइलैंड पर जाते हैं। दे ऑलवेज स्टे इन द सेम स्मॉल हाउस विच हैज़ फैंटास्टिक व्यू ऑफ द ग्लिटरिंग सी। और वो हमेशा हर साल एक ही घर में, उसी सेम हमेशा उसी घर में रुकते हैं जहाँ से जो ग्लिटरिंग सी का मतलब होता है चमकता हुआ, जहाँ से समुद्र का जो व्यू है वो फैंटास्टिक दिखाई देता है, यानी चमकता हुआ। दी फर्स्ट इवनिंग बैक ऑन दी आइलैंड सैम एंड हिज फैमिली डिसाइडेड टू गो आउट देयर फेवरेट आइलैंड रेस्टोरेंट ओशियन। एक दिन शाम को सैम और उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपने उसी आइलैंड के उसी एक रेस्टोरेंट में जाएंगे जिसका क्या नाम है ओशियन। वाइल दे आर ईटिंग डिनर, जब वो खाना खा रहे थे, डोमिनिक द हेड वेटर टेल्स देम अबाउट हिज कज़न। एक वेटर था जिसका क्या नाम था डोमिनिक, जो कि अपने कज़न के बारे में उनको बताता है, जिसका क्या नाम था अर्मांडो। ही सेज दैट अर्मांडो हैज़ अ बोट। उसने बताया कि अर्मांडो के पास क्या है, एक बोट है, एंड कैन टेक सैम स्विमिंग विद द डॉल्फिन, जिसमें वो सैम को डॉल्फिन के साथ स्विमिंग करा सकता है। मतलब अर्मांडो के पास एक बोट है जिसमें वो सैम को डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग करा सकता है। अर्मांडो even has a secret call that bring to dolphin to him। अर्मांडो के पास एक secret भी है जिससे कि वो dolphin को बुला सकता है। Sam is very excited to hear this। Sam इस चीज़ को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत excited था। The next day Sam's family take him to meet अर्मांडो। अगले दिन सैम की फैमिली उसको अर्मांडो से मिलाने ले गई। विल सैम गेट टू स्विम विद द डॉल्फिन, क्या सैम जो है डॉल्फिन के साथ स्विम कर पाएगा। रीड ऑन टू फाइंड आउट, तो पढ़ते हैं और देखते हैं। इट वॉज टाइम टू गो, अब जाने का समय था। सैम वेव्ड गुड बाय टू हिज फैमिली एज द लिटिल बोट जुग्ड आउट टू सी। सैम जो है जाने के लिए तैयार था अर्मांडो के साथ, और वो अपनी फैमिली को गुड बाय कह रहा था। और जब वो बोट थी, वो जब स्टार्ट हो रही थी तो इस तरह से आवाज़ कर रही थी जैसे इंजन स्टार्ट होता है, तो इस तरह से वो उनको बाय करता हुआ चलता जा रहा था। अर्मांडो थ्रू हिम अ लाइफ जैकेट, अर्मांडो ने उसे एक लाइफ जैकेट दिया। पुट दिस ऑन, इसे पहन लो, ही सैड, उसने कहा। आई हैव प्रोमिस योर मदर दैट यू विल वियर इट, मैंने आपकी मदर से ये प्रोमिस किया कि तुम इसे पहनोगे। लेइंग ऑन द स्मॉल डेक विद द चुक्ड ऑफ द बोट ऑन हिज ईयर एंड जेंटल सी ब्रीज फैनिंग हिज फेस। लेइंग ऑन द स्मॉल डेक विद द चुक्ड ऑफ द बोट in his ear and a gentle sea breeze fanning his face। जो सैम था वो बोट के जो स्मॉल से डेक पर क्या है लेटा हुआ था, है ना, और जो हवा है वो धीरे धीरे चल रही थी, लहर रही थी चुगड, उसकी जो आवाज़ है उसके कानों में, हवा की जो लहरों की आवाज़ें थी उसके कानों में पड़ रही थी। जेंटल सी ब्रीज फैनिंग हिज फेस, और जो धीमी धीमी जो हवा है वो बार बार धीमे धीमे उसके फेस को छू रही थी। सैम ऑलमोस्ट सो ही रहा था। एट लास्ट अर्मांडो वॉइस ब्रॉट हिम वाइड अवेक,
और अचानक से अरमांडो की आवाज़ आती है कि जाग जाओ, उठ जाओ। ओके सैम, वी हियर नाउ। यस ओके सैम, मैं उठ जाता हूँ। चलो अब उठ जाओ सैम, उसको अरमांडो सैम को कहता है। हेल्प मी ड्रॉप दी एंकर प्लीज़। और इस एंकर मतलब होता है वोट को पानी में टिकाने के लिए एक चीज़ होती है, एक स्टैंड होता है जिससे वोट पानी में टिक जाती है ताकि वो पानी में फ्लोट ना करे। तो उसके लिए वो उसको बोलता है कि वो लंगर जो है उसको पानी में टिकाने की उसकी मदद करो किनारे पर। अरमांडो एंड सैम ड्रैग्ड द हैवी एंकर टू द साइड ऑफ द बोट एंड देन हैवीड इट इनटू द वाटर। फिर अरमांडो और सैम जो उसको क्या कहते हैं बोट को खींचते हुए, ड्रैग करते हुए, उस एंकर से खींचते हुए बोट को एक जगह टिका देते हैं पानी में। नाउ वी विसल फॉर द डॉल्फिन, अरमांडो सेड। अब अरमांडो कहता है कि अब हम सीटी बजाते हैं किसके लिए, डॉल्फिन्स के लिए। अरमांडो पुट हिज थंब टुगेदर एंड ब्लू थिनली थ्रू द गैप बिटवीन दैम। अरमांडो अपना थंब और दो फिंगर्स, फिंगर टू फिंगर के बीच में थंब को रख के वो अपने माउथ में रखता है और अ स्ट्रेंज नॉइज कम आउट, एक अजीब सी आवाज़ आती है हाफ वे बिटवीन अ विसल एंड दी हूट ऑफ एन आउल। जो आवाज़ जो आती है वो ना तो प्रॉपर विसल होती है, सीटी होती है, और ना ही वो जैसे आउल की आवाज़ हो, हूटिंग हो, ना वो इस तरह की आवाज़ होती है, मतलब दोनों आवाज़ों का मिक्सचर होती है। सैम कॉपीड अरमांडो एग्जैक्टली बट वैन ही ब्लू नो साउंड केम आउट एट ऑल। सैम अरमांडो के जैसे सीटी बजाने की कोशिश करता है बट साउंड निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट टर्न ऑन। आई टेल यू इट इज़ अ डिफ़िकल्ट, मैं तुम्हें बताता हूँ ये बहुत कठिन है। लाफ्ड अरमांडो, अरमांडो हंसने लगता है। ही मेड द सेम स्ट्रेंज विस्लिंग नोइज़ अगेन, वह फिर से ऐसे अजीब सा साउंड निकालता है। लुक कैरेट अरमांडो पॉइंटिंग, हियर दे कम। फिर वो अचानक दूसरी तरफ देखकर और इशारा करता है कि उधर की तरफ देखो। सैम कुड नॉट बिलीव हिज आई, सैम को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता। ऑन दी हॉरिजॉन हेडिंग स्ट्रेट फॉर दी बोट वॉज अ स्मॉल स्कूल ऑफ डॉल्फिन। स्मॉल स्कूल ऑफ डॉल्फिन का मतलब होता है डॉल्फिन का झुंड। अचानक से एक, ये देखो जैसे हमें पिक्चर में ये दिखाया हुआ है, आधा दिन और आधा सुबह, आधा दिन और आधी शाम, तो इस तरह से क्षितिज में से डॉल्फिन का झुंड बोट की तरफ सीधा आने लगता है। देयर वर अबाउट 12 ऑफ दैम, लगभग 12 डॉल्फिन्स होती हैं वो। दे वर लीपिंग थ्रू द वाटर एंड क्रिस क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई आगे की तरफ आ रही होती है। नाउ आई शो यू समथिंग, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, सेड अरमांडो, ऐसा अरमांडो कहता है। अरमांडो थ्रू अ फिश आउट ऑफ अ बोट एंड डॉल्फिन लिप्ट इन टू द एयर एंड कॉट इट। अरमांडो जो है फिश को क्या करता है, वो जो अरमांडो होता है वो किस तरह से फिश को पकड़ करके फेंकता है और जो डॉल्फिन्स हैं उसको उछल करके हवा में कैच कर लेती हैं। प्लीज़ प्लीज़ मे आई स्विम विद देम, बैक्ड स्वैम। सैम पूछता है कि क्या मैं इनके साथ तैर सकता हूँ, इनके साथ खेल सकता हूँ। श्योर जंप राइट इन, लाफ्ड अरमांडो। सो सैम डव इन टू द वाटर, क्या तो सैम जो है वो अरमांडो जो है वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल उनके साथ जाओ, और जो सैम है वो पानी में कूद जाता है। अ फ्यू डॉल्फिन लीव्ड थ्रू द एयर देन डाइव्ड जस्ट ब्लू द सरफेस वाइल सैम स्विम अलोंग साइड। जो डॉल्फिन्स होती हैं वो कभी हवा में ऊपर तैर रही होती है, ऊपर की तरफ हो रही होती है, और कभी एक दूसरे, कभी जो पानी का जो सरफेस एरिया है उस पर एक दूसरे की दिशा जो है बदल रही होती है।
दी अदर डॉल्फिन स्विम क्लोज बाय एज इफ ट्राइंग टू कैच दैम। और जो दूसरी डॉल्फिन्स होती हैं वो भी क्या कर रही होती है, सैम के आसपास तैर रही होती है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रही होती। इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग गेम सैम हैड एवर प्लेड। ये बहुत ही अमेजिंग गेम होता है, सैम ने इस ऐसा गेम पहले कभी नहीं खेला होता है। ही स्विम एंड प्लेड विद द डॉल्फिन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल ही फाइनली हियर्ड अरमांडोज वॉइस फ्रॉम द बोट। और वो इस तरह का खेल उसने पहले कभी नहीं खेला होता है और वो स्विम कर रहा होता है, खेल रहा होता है डॉल्फिन के साथ काफ़ी लंबे समय तक। फिर उसके बाद अरमांडो की बोट की तरफ से आवाज़ आती है, सैम यू मस्ट कम अबोर्ड नाउ वी मस्ट गो। तुम्हें अब बोट की तरफ आना चाहिए, अब हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। सैम क्लाइम्ड अबोर्ड एज अरमांडो स्टार्टेड द इंजन एंड टर्न द बोट अराउंड। सैम वापस बोट की तरफ आ जाता है और अरमांडो जो है वो बोट को टर्न करके, इंजन स्टार्ट करके बोट को टर्न कर लेता है। यू हैव अ गुड टाइम यस आस अरमांडो। अरमांडो पूछता है कि तुम्हारा ये अच्छे समय था, द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा समय था, रिप्लाइड सैम। ऐसा सैम कहते हैं, प्लीज़ टीच मी द विसिल टू कॉल देम, प्लीज़ मुझे ये विसिल बजाना सिखाओ। आई प्रोमिस आई वॉन्ट टू टेल एनी वन एल्स, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा कि इस तरह से सीटी बजा के तुम डॉल्फिन्स को बुलाते हो। अरमांडो थॉट फॉर अ मोमेंट, कुछ समय तक तो अरमांडो सोचने लग गया। देन ही सेट ऑन द डेक एंड शोड सैम द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द थंब शुड बी इन द एक्स्ट्रा प्रेशर, सैम शुड ब्लो थ्रू दैम विद हिज लिप्स। फिर उसके बाद जो अरमांडो था वो डेक पर बैठ गया और सैम को एग्जिट पोजीशन बताने लगा कि किस तरह से, कितने प्रेशर से और किस तरह से फिंगर और थंब को रखते हुए लिप्स के ऊपर सीटी बजानी है। आफ्टर हाफ एन आवर एंड मैनी फेल्ड अटैम्प्ट सैम फाइनली ब्लू थ्रू हिज थंब, आउट केम इट परफेक्ट विसिल। आधे घंटे की कोशिश के बाद सैम जो है वो सीटी विसिल बजाना, अपनी फिंगर और थंब से बजाना सीख जाता है। ब्रिलियंट नाउ यू कैन डू इट सेड अरमांडो, ब्रिलियंट बहुत अच्छे अब तुम कर सकते हो, ऐसा अरमांडो कहता है सैम को। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। बाय नाउ द विंड वॉज स्ट्रोंगर, अब हवा जो है वो तेज चलने लगी थी। द सी वॉज चॉपी एंड द लिटिल बोट वॉज सेफ स्वाइंग इन द वाटर। द सी वॉज चॉपी, अब जो समुद्र, जब अब क्या हवाएं बहुत तेज़ चलने लगी थी तो समुद्र कैसा हो गया था, डरावना, चॉपी मतलब डरावना। द लिटिल बोट वॉज स्वाइंग इन द वाटर, उनकी जो छोटी सी बोट थी वो पानी में हिलने लगी थी। द लार्ज वेव क्रैशिंग ऑन ओवर द साइड ऑफ द बोट थ्रोइंग अरमांडो ऑन द फ्लोर वेयर ही ले विदाउट मूविंग। अब जो तेज तेज लहरें चलने लगी थी, ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी थी, उसकी वजह से जो बोट है वो किनारे पर जाकर लगी और अरमांडो को क्या है, फ्लोर पे जाकर उसको चोट लग जाती है और फिर वो बिना हिले डुले हिलता डुलता नहीं है। सैम ट्राइड टू रिवाइव हिम बट इट डिड नॉट वर्क। सैम को लगता है कि वो सैम उसको होश में, रिवाइव मतलब होता है होश में लाना, सैम उसको होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। सैम लुक्ड अराउंड नर्वसली, सैम चारों तरफ नर्वस होकर देखता है। ऑल ही कुड सी अराउंड हिम वर द ब्लू वाटर ऑफ द सी, चारों तरफ उसको सिर्फ नीला समुद्र दिखाई देता है। ही हैड नेवर फेल्ट सो लोनली बिफोर, इससे पहले वो कभी अकेला नहीं था। ही लुक्ड एट अरमांडो अगेन, वो फिर से अरमांडो की तरफ देखता है। वेयर कैन आई गेट हेल्प, मैं कहाँ से मदद ले सकता हूँ, वंडर्ड सैम। सैम चिंता में हो जाता है, सोचने लगता है।
ही हैड एन आइडिया, उसको एक आइडिया आता है। ही पुट हिज थंब ऑन इन हिज माउथ इन द करेक्ट पोजिशन एंड ब्लू थ्रू द गैप बिटवीन दैम। वो फिर से अपने थंब को अपने माउथ में डालता है और बिल्कुल सही पोजीशन में उंगलियों के बीच में गैप रखता है और दी विसिल केम आउट। सीटी बजती है लॉन्ग, एक लंबी सी सीटी बजाता है। एंड लॉ कटिंग थ्रू द नॉइस ऑफ द रेन एंड द विंडो, वो इतनी तेज विसिल बजाता है कि जो कि बारिश और हवा दोनों को चीरती हुई। अगेन एंड अगेन ही विसिल बजाता है, वो इतनी ज़ोर से विसिल बजाता है कि बारिश और हवा को चीरती हुई सो आगे जाती है और अगेन एंड अगेन फिर से दोबारा दोबारा विसिल वो बजाता है। देन ही हियर्ड अ नॉइज़, फिर उसे एक आवाज़ आती है। एंड दे वर 30 or 40 ऑफ दैम स्विमिंग थ्रू द वेव टुवर्ड दैम, लगभग 30 से 40 तैरती हुई लहरों के साथ उसकी तरफ आ रही होती है। दे सराउंडेड द बोट एंड बिगेन टू पुश इट अलोंग यूजिंग देयर हेड, उसकी जो बोट के चारों तरफ जो वो डॉल्फिन्स होती हैं चारों तरफ आ जाती हैं और अपने सर से जो है उसकी बोट को किनारे की तरफ करने लगती हैं। सैम वॉज सो रिलीव्ड दैट ही वॉन्टेड टू क्राई, सैम को अब बड़ी राहत मिली और वो खुशी के आंसू रो रहा था। खुशी के आंसू इसलिए रो रहा था क्योंकि जो डॉल्फिन्स थी वो अपने सर से धीरे धीरे बोट को हिलाते हुए किनारे की तरफ ला रही थी। द डॉल्फिन पुश्ड द लिटिल बोट फॉर मैनी आवर्स अंटिल द स्टॉर्म हैड पास्ड, द स्काई वॉज क्लियर। जो डॉल्फिन्स थी वो बोट को तब तक घंटों तक हिलाती रहीं जब तक कि तूफान थम नहीं गया और स्काई जो है साफ नहीं हो गया। अप ऑन द डेक सैम हैड ट्राइड टू मेक अर्मांडो एज कम्फर्टेबल एज पॉसिबल, जो सैम था वो डेक के ऊपर अर्मांडो को इतनी देर में कोशिश कर रहा था अर्मांडो को कम्फर्टेबल कराने की। सडनली अर्मांडो गॉन्ड एंड सेटअप, अचानक अर्मांडो की आँख खुलती है और वो खड़ा होता है। ओ माई हैड वॉट हैपेंड ही आस्क, अरे मेरा सिर क्या हुआ था, ऐसा अर्मांडो पूछता है। यू नॉक्ड योर हैड वैन अ वेव क्रैश्ड ऑन द बोट, जब एक बड़ी सी लहर ने बोट को हिला दिया था तो तुमने अपना सर जो है वो फ्लोर पर पटक लिया था। सो आई विसल फॉर द डॉल्फिन एंड दे सेव्ड अस, फिर मैंने जो तुमने सीटी सिखाई थी वो बजाई और डॉल्फिन्स ने हमें सेव कर दिया। सैड सैम ब्रीथलेसली, सैम बिना रुके बताता है। इनक्रेडिबल शानदार सैड अर्मांडो, ऐसा अर्मांडो कहता है शानदार। इन ऑल माय ईयर्स, इतने सालों में आई नेवर सी एनीथिंग लाइक दिस, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इट इज़ अ गुड थिंग आई टीच यू द विसिल, यस, और ये बहुत अच्छा रहा मुझे मैंने तुम्हें जो सीटी बजाना सिखाई है बहुत ही अच्छा रहा, यस। अब ये देखिए यहाँ पर अर्मांडो यस कह रहा है जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है प्रॉपर इंग्लिश नहीं है इसलिए वो इस तरह से बोलता है। अर्मांडो लीन्ड डाउन टू द डॉल्फिन, अर्मांडो डॉल्फिन्स को झुककर शुक्रिया करता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स, आई फिक्स्ड द इंजन वेल नाउ, अब मैं अपना ये बोट का इंजन फिक्स कर देता हूँ। यू कैन रेस्ट, अब तुम आराम कर सकते हो। द डॉल्फिन स्टॉप्ड पोज्ड स्लोली टर्न अराउंड एंड देन जॉयफुली लीप्ड थ्रू द वेव बैक आउट टू द सी। अब डॉल्फिन रुक जाती है, उसको धक्का देना बोट को और मुड़ करके वापस राउंड मुड़ करके समुद्र की तरफ जाने लग जाती हैं। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, थैंक यू माय फ्रेंड्स, यू सेव्ड माय लाइफ, यील्ड सैम वेविंग टू देम, और सैम भी उनको शुक्रिया करता है कि थैंक यू माय फ्रेंड्स, तुमने हम मेरी लाइफ को बचा लिया। नॉट लॉन्ग आफ्टर द इंजन रोड टू लाइफ, तो अब जो अर्मांडो था उसने जो है इंजन ठीक कर लिया होता है बोट का,
वी विल बैक सून नाउ, सेड अर्मांडो एट द व्हील. अब अर्मांडो कहता है कि हम डॉल्फिन से कहता है हम फिर से जल्द ही मिलेंगे. वेल यंग सैम, व्हाट अ डे यू हैड. आज कैसा दिन था तुम्हारा. बट सैम वॉज नॉट लिसनिंग, लेकिन जो सैम था वो उसकी बातें नहीं सुन रहा था. ही वॉज वॉचिंग द लास्ट ऑफ द डॉल्फिन, वो डॉल्फिन्स को देख रहा था आखिरी बार. फ्लाइंग लाइक अ बर्ड थ्रू द गोल्डन वाटर, सुनहरे पानी में बर्ड की तरह फ्लाई करते हुए डॉल्फिन्स को देख रहा था. इट्स मैजिक फिन्स ग्लिटनिंग इन द रेज ऑफ द सेटिंग सन. उनके जो फिन्स होते हैं, जो उनके जिनसे वो स्विम करती हैं, उनको वो देख रहा था वो किस तरह से स्विम करती हुई जा रही हैं. सन की जो सुनहरी रोशनी पड़ रही है उसमें जा रही हैं. अब यहाँ एक नोट दिया हुआ है, अर्मांडोज इंग्लिश इज़ अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज हिज होम लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश. अर्मांडो को की जो इंग्लिश थी वो थोड़ी अलग थी, क्योंकि उसका जो मदर टंग है उसके घर में इंग्लिश नहीं बोली जाती है. तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया. आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना. थैंक यू.